हम बात करते करते सामने वाले से हमेशा अग्री नहीं कर सकते, बट कई बार हम अग्री भी कर जाते हैं। छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस ले लीजिए, जैसे कि सामने वाला कहता है कि यार मुझे चाय बहुत पसंद है, तो आप कहते हैं कि यार मुझे भी बहुत पसंद है। या आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं कि यार मुझे भी, जैसे सामने वाला नेगेटिव सेंटेंस में कहें कि यार मुझे मूवीज़ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप कह सकते हैं, अगर आपको भी पसंद नहीं है तो आप कहेंगे मुझे भी नहीं। तो इंग्लिश में ऐसे रिप्लाई कैसे करें? तो टू अग्री विद समवन, किसी के साथ सहमत होने के लिए, चाहे वह पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हो चाहे नेगेटिव सेंटेंस के लिए, दोनों के लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि सामने वाला कहता है कि आई लाइक कॉफ़ी, सामने वाला कहता है कि मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो आप कह सकते हैं कि सो डू आई। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले ये समझते हैं, सबसे पहले हमें आंसर में सो लगाना पड़ेगा, उसके बाद जो सामने वाले ने टेंस यूज़ किया है उसमें क्या यूज़ होता है नेगेटिव या इंटरोगेटिव में। जैसे कि ये वाला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आप यूज़ उसमें डू या डस का जो यूज़ है वो होता है, तो आप कहेंगे सो डू आई, क्योंकि आई वी यू दे के साथ आप लिख सकते हैं, आई वी यू दे के साथ हम डू को यूज़ करते हैं, इसीलिए हम कहेंगे सो डू आई। अगर वो कहता कि आई लाइक कॉफ़ी, अगर हमने कहना है कि उसे भी बहुत पसंद है, तो हम कहते हैं सो डज ही, क्योंकि ही शी इट के साथ डस का यूज़ होता है, आप लिख सकते हैं इसे ही शी इट के साथ डस का यूज़ होता है, तो वो कहता है सो डज ही। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वेंट टू मलेशिया लास्ट ईयर, ये कह रहा है कि मैं मलेशिया गया लास्ट ईयर, पिछले साल में मलेशिया गया, तो सामने वाले बंदे ने भी अगर कहना है कि यार मैं भी गया, तो वो क्या कहेगा सो डिड आई। इसमें डू का यूज़ नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है, गो वेंट गोन। वेंट हमें पता है कि ये सेकंड फॉर्म है गो की, वेंट कहाँ यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसमें डू नहीं यूज़ करेंगे हम, डिड यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट है आई कैन सोल्व दिस सम, ये बंदा बोल रहा है कि मैं इस सम को सोल्व कर सकता हूँ, तो क्योंकि यहाँ एक मॉडल यूज़ हुआ है, यहाँ कैन लगा है, तो आंसर में भी कैन लगेगा, सबसे पहले सो उसके बाद कैन उसके बाद आई, मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ। इन जनवरी आई विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, ये कह रहा है कि जनवरी में मैं यहाँ 10 सालों के लिए रह चुका हूँगा, मुझे यहाँ रहते हुए 10 साल हो गए होंगे, तो ये कहता है सो विल आई, क्योंकि यहाँ विल यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है दे हैव बीन टू अमेरिका सो मेनी टाइम्स, कि वो अमेरिका बहुत ज़्यादा टाइम्स के लिए जा चुके हैं, बहुत बार जा चुके हैं, तो इसमें हैव का यूज़ हुआ है, तो यहाँ भी हैव का यूज़ होगा, सो हैव आई, मैं भी जा चुका हूँ, सो हैव आई का मीनिंग है कि मैं भी जा चुका हूँ। बट क्या हो अगर सामने वाला नेगेटिव टेंस में आपसे बात करें, तो आप भी उसके साथ नेगेटिव सेंटेंस में सहमत होते हो, जैसे कि ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, कि वो स्कूल को आज नहीं जा रहा, तो अगर आपने कहना है कि मैं भी नहीं जा रहा, तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ इज़ का यूज़ हुआ है, तो क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो नो सो की जगह हम नीदर का यूज़ करेंगे, बाकी सेम रहेगा, नीदर एम आई, मैं भी नहीं जा रहा, साहिल वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, नीदर वॉज आई, मैं भी नहीं प्ले कर रहा था। नेक्स्ट है दिस कार डज नॉट वर्क, नीदर डज दिस वन। नेक्स्ट है कि आप नीदर की जगह नोर का भी यूज़ कर सकते हैं, राम इज नॉट हियर नोर इज सीमा, सामने वाला कह रहा है कि सीमा भी यहाँ नहीं है, तो यहाँ नीदर भी लग सकता है और नोर भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन येट।